फ्रेंड्स, करेले की सब्ज़ी तो आपने बहुत बार बनाई होगी, देखी होगी और खाई भी होगी, लेकिन इस तरीके से करेले की सब्ज़ी बनाकर देखिए, बहुत ही बढ़िया बनती है, टेस्टी बनती है, टिफ़िन के लिए भी एकदम परफेक्ट बनती है करेले की सब्ज़ी। ये ज़रूर ट्राई करें। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 4 करेला, इस तरीके से पीसेस में काटा है, और यहाँ लिया है राई 1 चम्मच, 2 चम्मच मूंगफली, मूंगफली को रोस्ट करके पीसा है दरदरा, हरी मिर्च है, हरी मिर्च की पेस्ट, करी पत्ता, हल्दी, नमक। यहाँ पर मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई रखा है, कढ़ाई में डालेंगे 2 ग्लास पानी, दो ग्लास पानी डालने के बाद पानी को उबाल आने देना है, और जैसे ही पानी को उबाल आ जाता है उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच नमक, और पीसेस में काटा हुआ करेला डालना है। चलिए, करेला को भी हमने डाला है, अब इसे चम्मच से चलाएंगे। और इसे हाई फ्लेम पे सिर्फ लीड लगाकर 2 मिनट तक अच्छे से उबालने देंगे, और एक छन्नी में फिर निकाल देना है। ये देखिए, इस तरह से करेले का पानी सब निकल जाएगा। और फिर 1 ग्लास इस पर ठंडा पानी डालना है, नॉर्मल पानी, और इसके बीज को हम निकाल देते हैं। ये देखिए, इस तरीके से बीज को निकाल देना है फ्रेंड्स। ये देखिए, करेला का जो बीज रहता है ना, उसी से करेला बहुत कड़वा लगता है। ये देखिए, सारे बीज को हमने निकाल दिया है। ये देखिए इस तरह से। चलिए, गैस ऑन करना है, वही कढ़ाई का यूज़ किया है मैंने, कढ़ाई रखा है गैस के ऊपर, और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच ऑयल, ऑयल गरम होने के बाद डालेंगे राई, राई थोड़ी सी चटकने लगेगी, करी पत्ता डालना है, और करी पत्ता डालने के बाद डालेंगे पीसी हुई हरी मिर्च, हरी मिर्च की पेस्ट, फ्लेम लो करके अच्छे से भून लेना है ज़रा सा हरी मिर्च को। हरी मिर्च को फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा लहसुन नमक डालकर पीसना है मिक्सी में। चलिए, 1 छोटा चम्मच हल्दी डालेंगे, हल्दी डालने के बाद भी अच्छे से मिक्स करना है, थोड़ा सा नमक डालना है, नमक हमने पहले भी डाला था करेले को उबालते समय। चलिए, यहाँ पर 2 चम्मच मूंगफली डालेंगे, मूंगफली की पेस्ट दरदरा पीस लेना है फ्रेंड्स, मूंगफली को रोस्ट करके दरदरा पीस लेना है मिक्सी में। चलिए, मूंगफली को भी थोड़ा सा भून लिया है। चलिए, करेला डाल देते हैं, करेला डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है। मूंगफली डालने से क्या होता है ना फ्रेंड्स, पीसी हुई मूंगफली
थोड़ा सा कड़वाहट पना उसका करेले का चला जाता है। इसमें प्याज टमाटर की ज़रूरत भी नहीं लगती। चलिए अब 2 मिनट तक इसे लो फ्लेम पे छोड़ देते हैं। चलिए करेला हमारा तैयार है, देखिए चला लेंगे और एक बार अच्छे से। चलिए फ्रेंड्स अब सर्व करने के लिए तैयार है करेला, एक बाउल में निकाल देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स करेला हमारा तैयार है, बहुत ही टेस्टी लगता है, ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इसे टिफ़िन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ऑल क्लिक करें।